आइडल एजुकेशन पॉइंट, टेंथ इंग्लिश मीडियम, चैप्टर 6, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन यानी एडिशन होगा इसमें। टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ अनदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं विथ नो अदर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ एमजी वायर यानी मैग्नीशियम वायर का जलना। तो मैग्नीशियम वायर, कोई भी चीज़ जल रही है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में, तो MgO2 तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये भी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी चीज़ को हटाना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनोदर एलिमेंट फॉर्म इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब कौन डिस्प्लेस करेगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, FeSO4, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। इस एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे आयरन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। तो सॉल्यूशन के अंदर ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगी, कॉपर की जगह खुद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 और कॉपर को रिमूव कर दिया इसमें साइड ने, तो Cu। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हुआ, कॉपर, किसने किया, Fe ने। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल भी है यहाँ पे, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Zn ने भी कॉपर को रिमूव किया है। आयरन एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फॉर्म इट्स कंपाउंड्स, इसलिए कंपाउंड में से कॉपर को ये क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इसमें क्या एक्सचेंज होता है, एक उसकी जगह में आता है तो वो उसकी जगह चला जाएगा। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, एक दूसरे में ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल देखिए आप, Na2SO4 है, रिएक्ट कर रहा है BaCl2 से। सोडियम जो है बेरियम की जगह चला गया Ba की जगह, और बेरियम जो है सोडियम की जगह आ गया। तो बेरियम सोडियम की जगह आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया BaSO4, और सोडियम Ba की जगह चला गया तो क्या हो गया, 2NaCl, NaCl बन गया। सेकंड एग्जांपल में भी यही हो रहा है, AgNO3 है, KCl है, तो Ag यानी सिल्वर जो है पोटेशियम की जगह K की जगह चला जाएगा, और पोटेशियम जो है Ag की जगह आ जाएगा, तो ये बन गया AgCl और ये हो गया KNO3। ये हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन की, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं। धन्यवाद।